अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा छोटा सा व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए हुए थे। तो हमारे घर के पास एक पार्क है, तो वहाँ पे सामने स्कूल भी है। तो अब जो है हम मॉर्निंग वॉक पे आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह से की जाए। तो यहाँ पर अभी सुबह के आई थिंक 8 बजे हैं, तो हम तकरीबन 7 बजे के आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा आज वेदर बना हुआ है। सुबह सुबह ठंड लगती है, लेकिन बंदे को वॉक कर करके ना, उसके बाद बंदा जो है आदी हो जाता है, मतलब बंदे का जिस्म जो है ना वो गर्म हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में मैं आती थी, मैं 1 राउंड लगाती थी, फिर 2, अब ये मुझे 4 राउंड है, मैं वहाँ आगे तक राउंड लगा के आती हूँ। तो वहाँ पर जो है सुबह की मॉर्निंग वॉक बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है। जो स्कूल में पढ़ते हैं और उनको तो पता ही होगा कि जो है मॉर्निंग वॉक जो है सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो आज के मैं छोटे छोटे थोड़ा व्लॉग आ रहा था मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी और आजकल मेरी असाइनमेंट्स भी चल रही हैं। कल के व्लॉग मैंने दिखाया भी था, तो जो लोग AIU में पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का होगा कि कितनी, मतलब कि लंबी लंबी असाइनमेंट्स होती हैं, एक एक क्वेश्चन कितना लंबा लंबा होता है उसमें, मतलब आपका लिख 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 के हाथ ही थक जाते हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो होते 5 क्वेश्चन हैं जस्ट, या मतलब मेरे तो 5 ही हैं, तो मतलब बाकी वो आपके क्लासेस के हिसाब से होते हैं। तो फिर जो है सिर्फ 1-1 असाइनमेंट होती है, और 4 असाइनमेंट्स के 5-5 क्वेश्चन होते हैं, 2 सारे लिखने होते हैं। लेकिन जो है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बहुत लंबे लंबे, बंदा क्या करे। तो खैर इट्स ओके, जो है वहाँ पे आज वो है, वो बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल है, हो गया टाइम, 8 बज चुके हैं, आई थिंक 9 बजने वाले हैं सब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बच्चे वगैरह खेल रहे हैं काफ़ी, अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो अभी स्कूल आई थिंक इन लोगों का स्टार्ट होगा, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी वहाँ पे बच्चे कुछ खेल भी रहे हैं, ऐसा ऐसे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे ये जगह मैंने हुई है फुटबॉल की, और यहाँ पे जो है उसकी बैक साइड पे जो है हम रहते हैं। मेरा मोबाइल कितने लगा था अभी, इट्स ओके। और ये जो है प्लेन जा रहा है, ये 7 चर्च भी है हमारे घर के पास, तो मैंने सामने से दिखाया हुआ है चर्च। तो ये हमारे घर के पास एयरपोर्ट भी है, यहाँ से जो है प्लेन गुजर रहा है। ये तो खास आई थी, अब आ रहा नज़र थोड़ा सा ना शुरू से, तो मैं वापस जा रही हूँ यहाँ। तो अब मैं जा रही हूँ वापस। तो यहाँ पे एक तो मॉर्निंग वॉक सुबह के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे ऐसे घास ग्रीनरी वगैरह जो है बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके, बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है, मूड बंदे का इतना अच्छा हो जाता है। सुबह तो ब्रेकफास्ट करके बंदे को नींद आ रही होती है, तो बंदा नींद से बेहतर है, सोने से बेहतर है मतलब सुबह वॉक पर आ जाए। एक तो सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, और एक तो बंदा फ्रेश फ्रेश फील करता है, खाना खा के सोने से एक तो बंदा पेट से बच जाता है, और नींद आना स्टार्ट हो जाती है। बंदा नींद से सोए खाना खा के तो नींद तो आती ही है, बंदा फिर सो जाए तो फिर बंदे का पेट निकल आता है, इससे अच्छा बंदा वॉक पे आ जाए। आपकी सेहत के इतने फ़ायदे हैं। तो शुरू में आप मुझे याद आऊँ तो याद आता है कि जो है पैराग्राफ हम लिखते थे स्कूल में, मॉर्निंग वॉक के ये फ़ायदे हैं, मॉर्निंग वॉक के वो फ़ायदे हैं, अपने पास से इतनी लंबी लंबी छोड़ के आते थे जब एग्ज़ाम होते थे, या उसमें सुबह के वर्जिश के फ़ायदे और वॉक के फ़ायदे होते थे, तो इतनी लंबी लंबी अपने पास से लिख लिख कर करते थे। जब पहले कभी वॉक की नहीं, तो जब आपसे करना स्टार्ट की है तो जो है अब पता चलता है कि वाकई जो है मॉर्निंग वॉक क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, अब आके समझ होती है जो है। इसलिए
अब पता चलता है कि वाकई मॉर्निंग वॉक होती सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। इतना अच्छा बंदा फील करता है, सुबह सुबह बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। इससे अच्छा बंदे को सुबह जो है ना मॉर्निंग वॉक पे लाजिम आना चाहिए। तो अब पता चलता है कि वाकई वो हम चीज़ लिखते थे और आज वो चीज़ पता चल रही है, माइंड में आती है, क्योंकि पहले कभी वॉक की नहीं थी। जहाँ पर मैं कैनेडा में आई हूँ जब से, फिर अब से स्टार्ट की हुई है, तो इसलिए तो अब वहाँ पे आगे मैं जाऊँगी। तो छोटा सा व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने कहा जो है ना आज का आपको मॉर्निंग भी कैनेडा की दिखा दी जाए। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और कि हम वॉक वगैरह करने, और साथ स्कूल है तो आपको दिखाया है, बच चुके हैं यहाँ पे, स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है तो कुछ लोग जा भी चुके हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं, हम जब 7 बजे आए हैं मॉर्निंग वॉक तो 6 बजे करनी चाहिए नमाज वगैरह पढ़ के। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि 9 बज चुके हैं और घर जाके थोड़ा सा काम भी करना है, और फिर जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी इस तरह करके जो है। ये कितना प्यारा ट्री लग रहा है यहाँ पे है, फ्लावर वगैरह तरह के रेड रेड यहाँ पे ट्री। यहाँ पे ना कुछ लोगों को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, कुछ लोग मतलब गार्डनिंग वगैरह करते हैं, अपने घर को अच्छा सा सजा के रखते हैं, जैसे है ना यहाँ पे जैसे प्यारे प्यारे बने हुए हैं, तो मतलब ना बहुत ज़्यादा कहीं को गार्डनिंग का शौक होता है, और कहीं कहीं के घास ऐसे ख़राब हुए पड़े होते हैं ना, मतलब कि जो है सारा कोई होता ही नहीं है। हम जैसे के फूल वगैरह हैं और यहाँ पे प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, यार पूरा दिन का कितनी प्यारी एंट्रिंग लग रही है इस तरह करके जो है ना, मतलब कहीं को बहुत शौक होता है, और लेकिन कहीं कहीं की नहीं होती, जैसे उनका कितना बड़ा दरख्त है, घास कितनी बड़ी बड़ी हुई है, इसी तरह मतलब किसी किसी को शौक होता है। तो हम जो है इसी सामने सोलर प्लेटें भी लगी हुई हैं यहाँ पे, तकरीबन हमारे घर के पास ही है, मतलब 4-5 मिनट की वॉक है, तो मतलब कि ये यहाँ पे मतलब इनका घास अब कितना बड़ा हुआ हुआ है, लेकिन कितने पास इतनी जगह है, तो ये मतलब कि इतने ज़्यादा कर सकते हैं अपना प्यारा सा गार्डनिंग कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को इस तरफ भी खड़ा कर सकते हैं, या मतलब एक प्यारा सा गार्डन ही बना सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ घर, अब मैं कहीं और जाऊँगी तो वो इसमें ऐड करूँगी। तो अब मॉर्निंग वॉक से होकर जो है हमने बैंक आना था, हमें छोटा सा काम था, तो अब जो है हम इधर बैंक आएंगे, यहाँ पे जो है थोड़ा सा काम है CIBC। तो मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, मैंने कहा यहाँ पे जो है थोड़ा सा आराम करता, वैसे थोड़ी अच्छी लग रहा था ठंडी ठंडी जगह ना, बाहर तो आज गर्मी है थोड़ी सी ना, इस वजह से